देश में होने वाले लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण हो इसलिए पुलिस लगातार आपराधिक तत्वों की धरपकड़ कर रही है व सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इंदौर की छोटी ग्वाल टोली पुलिस बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन पर सतत चेकिंग कर रही है। छोटी ग्वालटोली थाना प्रभारी डीएस नगर के मुताबिक उनके थाना क्षेत्र में आपराधिक तत्वों की लगातार धरपकड़ जारी है। यातायात चेकिंग के साथ ही आचार संहिता के नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में स्थित सरवटे बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। साथ ही जनता के मन में अपराधियों का भय मिटाने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। जब से आदर्श आचार संहिता लगी है तब से हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा हम लोग को आदेश निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तारतम्य में हमारे एसपी वैस साहब श्री कुरैशी साहब और अनिल पाटीदार साहब एडिशनल एसपी साहब और संयोगितागंज सी एस पी मैडम है ज्योति, तो इन लोग के मार्गदर्शन निर्देशन में हम लोग लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रहे हैं और वाहन चेकिंग लगातार जारी है। चूँकि हमारे थाना क्षेत्र में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है तो यहाँ भी सघन चेकिंग शाम के समय और हम लोग को मुख्यालय द्वारा प्रदत्त टीम मिलती है जिसको लेकर हम लोग फ्लैग मार्च भी करते हैं और यातायात व्यवस्था करते हैं, जिसका क्षेत्र में बड़ा अच्छा असर हो रहा है। और अभी तक जब से यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लगने के पश्चात ऐसा कोई गंभीर अपराध घटित नहीं हुआ है और हम लोग अवैध शराब, अवैध जो राशियों का परिवहन होता है, इन लोग के लिए भी लगे हुए हैं पता साझी करने में। और चेकिंग के दौरान हम लोग को एक सफलता भी मिली थी बीच में, जैसा कि आप लोग को भी ज्ञात है कि एक वाहन चोर मिला था जो रिटायर्ड वो बर्खास्तशुदा SAF का सिपाही था, तो इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और निरंतर हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों की और चुनाव आयोग की द्वारा जो निर्देश प्राप्त हैं उस पर हम 100% कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित ही हम लोग अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। DVS नागर थाना प्रभारी छुट्टी मांगी।